नमस्कार दोस्तों, रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सभी को जानना बेहद जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि सरकार और रेलवे की क्या प्लानिंग है, कब से ट्रेन चलेगी। जी हां दोस्तों, पक्की जानकारी आपको मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों रनिंग स्टाफ का रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन के आधार पर डाटाबेस बनाया जा रहा है, ताकि देश में आंशिक रूप से ट्रेन चलाने की योजना में बाधा उत्पन्न न हो सके। रेलवे मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दो दिन से संरक्षा से जुड़े रेल कर्मियों को कर्फ्यू पास दिए जा रहे हैं। इसमें संरक्षा और रनिंग स्टाफ के पास विभाग का पहचान पत्र होने के साथ रेलवे के क्लास 1 अधिकारी का पत्र होगा, ताकि ड्यूटी के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचने में उनको पुलिस से मंजूरी मिल सके। रनिंग स्टाफ जैसे कि सहायक ड्राइवर, ड्राइवर जी हाँ दोस्तों, गार्ड, टीटी, टीसी, स्टेशन प्रबंधक, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर आदि के घर के पते के आधार पर कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस बनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे मंत्रालय ने 15 तारीख से ट्रेन चलाने की संभावनाओं के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। देश भर के सभी संरक्षा रेल कर्मियों को कर्फ्यू पास वितरित कर दिए गए हैं। हालांकि मंगलवार को सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन में हरी झंडी मिलने के बाद ही ट्रेन चलेंगी। जी हां दोस्तों, आज 10 बजे। जी हां दोस्तों, आपको थोड़ा सा बस थोड़ा सा इंतजार करना है। दोस्तों ट्रेन कब और कहां चलेगी आपको 10 बजे, जी हां दोस्तों 10 बजे पता चल जाएगा। तो दोस्तों जो भी अपडेट जानकारी होगी आप तक पहुंच जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं पल पल की जानकारी दूंगा आज 10 बजे। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों जो भी अपडेट जानकारी होगी आप तक पहुंच जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं पल पल की जानकारी दूंगा आज 10 बजे। जी हां दोस्तों, आज 10 बजे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।